हेलो गाइस, सभी को गुड मॉर्निंग। मेरे नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज फिर हम लोग अपना परंपरा प्रतिष्ठा कायम रखे हैं और लेट से सो के उठे हैं। खैर कोई नहीं, छोड़ते हैं फिर इस चीज़ को, चलते हैं। पहले नहाते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं मेस। मेस से खाना खाने के बाद मिलते हैं आपको नंदी चौक। तो हम नहा धो के हो गए हैं रेडी और आज सोमवार है तो हम भी महादेव की भक्ति में लीन हो गए हैं। फिर चलते हैं मेस। कितना बज गया? 12 बज गया। चलिए चलते हैं मेस, खाना पीना खा के फिर करते हैं आपसे बात, क्योंकि हमको लेट हो गया और सारे लोग खाना पीना खा करके आ गए, तो आज हमें अकेले ही जाना पड़ेगा। चलिए चलते हैं भाई। एक ऑटो के अलावा हर गाड़ी देखने के लिए मिल जा रहा, कमाल है भाई। खाने जाना है यार, भूख लगा है, जल्दी से दिख जाओ कोई। तो हम लोग पहुँच चुके हैं नंदी चौक और जा रहे हैं अपने टेंट की तरफ। देख लीजिए आज भीड़, क्योंकि अब सावन का लास्ट है ना, अब 10-12 दिन में सावन समाप्त हो जाएगा, तो इसीलिए और ज़्यादा भीड़ हो रहा है इसको लेकर। देखिए भीड़ चल ही रहा है। वो आंटी देखिए टैटू बनवा रही है, लगता है ये आंटी मेरा वीडियो नहीं देखती है। अगर वो आंटी मेरा वीडियो देखती तो उन्हें पता चल जाता कि मेला में से टैटू नहीं बनवाना चाहिए। खैर कोई नहीं, उसका भी तो घर चलना है, चलने दीजिए, आंटी की मर्जी, कोई बात नहीं। हम लोग चलते हैं खाना खाने फटाक से, नहीं तो खाना ख़त्म भी हो जाएगा। तो गाइस हम आ गए हैं मेस और आज हमारे मेस में बना है सौरभ जोशी का फेवरेट खाना, छोले चावल। तो चलिए बिना सौरभ जोशी को बताए खाते हैं उनके फेवरेट छोले चावल। हम लोग खा पी कर अपने टेंट से निकल गए हैं और छोले चावल बहुत टेस्टी बनाते हैं। और यहाँ पर देखिए चप्पल खरीदने के लिए इतना भीड़, सही है भाई, ऐसे भीड़ तो हर जगह ही है, सब जगह भीड़ है, भीड़ ही भीड़ है। खाना पीना खा के चलते हैं अपने रूम, वहाँ पहुँच के करते हैं थोड़ा आराम भाई, बहुत ज़रूरी है। हेलो गाइस, वंस अगेन अभी समय हो रहा है 2:40 और हमको भी याद है जब हम मार्केट से कुछ सामान लेना था, आने में हम लोग ऐसे ही 1-1.5 बज जाता है, तो उतना रात हो दुकान खुला रहेगा नहीं, चलिए ले लेते हैं। और वैसे ही बहुत दिन से सोच रहे थे यार 3-4 दिन से कि लेना है लेना है, चलिए अभी चल के पहले लेते हैं बिरयानी के लिए। भाई साहब चक्का पर ही बढ़ जाती है एक दो को, ये बढ़िया बस जरमुंडी का बाज़ार इतना ही बड़ा है, यहाँ से लेकर के बस आ रहा है वहाँ तक, इतना ही पूरा मार्केट समा। आज लगता है यहाँ पे मंडी लगा है गाइस, पूरा मार्केट बैठे। कैसे दे रहे भैया टी शर्ट? यस 100। और जीन्स भैया? जीन्स कोई भी 300। काफ़ी सस्ती सस्ती चीज़ें हैं यहाँ पर, छाता बन रहा है, हमको तो पता ही था यार इतने दिन से यहाँ पर है, हर सोमवार को मंडी लगता है, पता ही नहीं था। मच्छरदानी, टी शर्ट, इतना बड़ा बड़ा नींबू, हकीम चाचा जंतर मंतर बेचते हुए। ये इंडियन साबुन किलो के हिसाब से मिलता है, और अंदर चला जाए मंडी का, काफ़ी बड़ा मंडी है बताओ, 2 महीना से यहाँ पर है पता ही नहीं, और अब लास्ट जब जाने वाले हैं तो पता चल रहा मंडी लगता है यहाँ पर। वहाँ पीछे तक मंडी है भाई, जितना बड़ा यहाँ का मार्केट नहीं उससे ज़्यादा बड़ा तो मंडी लगा है यहाँ पर, सब बार बार दूर दूर जगह से आए होंगे। खैर कोई नहीं, किसी और दिन यहाँ का मार्केट एक्सप्लोर किया जाएगा, अभी तो फिलहाल अपना ड्यूटी का टाइम हुआ है, चलते हैं ड्यूटी। अगले सोमवार को अगर यहाँ रहें
तो पूरा अच्छे से ब्रीफली आप लोगों को घुमा देंगे यहाँ का मार्केट। भाई हम लोग 2:40 में निकले थे और 3 बजे तक आ गए हैं मार्केट करके। 20 मिनट वर्ल्ड शॉर्टेस्ट मार्केटिंग की है यहाँ हम लोग। और इन्हीं 20 मिनट में आपको हम लोगों ने मंडी भी दिखा दिया। चलिए चलते हैं, वर्दी पहनते हैं, अपनी ड्यूटी पोस्ट पर निकला जाए। अब चला जाए, नहा तो के हो गए रेडी, चलिए चलते हैं अपने ड्यूटी पोस्ट पर। आज सोमवारी है तो आज मोर देन एक्सपेक्टेड भीड़ होगा ही होगा। आज फिर चलेंगे हम लोग सरकारी बस से, तो अपना अपना ड्यूटी का बात करते हुए यहाँ पर IRP जरूर और जिला बस सब साथ में। हम लोग पहुँच चुके हैं नंदी चौक और जा रहे हैं अपने पोस्ट पर। और कैसे कि नोटिस किए हम वर्दी में कुछ ज़्यादा ही हैंडसम है, क्या ये सच है? कमेंट करके बताइए हमको। आज अपना वर्दी भी साफ़ सुथरा एकदम धो के रेडी करके पहने हैं, परंपरा प्रतिष्ठा को अपना जारी रखते हुए। अरे ये देखिए आज कल सुसवारी बात की। अरे आंटी का हम एक के बन माइक में बोला था नहीं सर, सुहा के पर रुके मम्मी बोला था नहीं भैया आएंगे वो लड़का उनके भेज देंगे। हम एक के बनी हम लड़का की चल केयर करेंगे। ठीक बा चाची सुन लेनी, भेज दे और बेटा के तो जे रे। हां ठीक बा ठीक बा भाई, ये देख के मेरा भरोसा उठ गया। हेलो मैं ये दवाई हम लोग पहुंच गए हैं अपने पोस्ट पर और आप लोग आवाज सुन के लग ही रहा होगा कि ये पोस्ट कितना हरा भरा है। वाह सही है। छोटी बहन लाइक सब्सक्राइब के लिए बोल दीजिए, लाइक करें सब्सक्राइब करें प्लीज, मेरी छोटी बहन का बात माने आप लोग। ये भी जा रही है जल चढ़ाने। कमाल का इन लोगों का नारा भी रहता है भाई। हम तो आज बीच में नहीं जा रहे भाई, वहाँ से मूड बदल गया गाइस। चलिए चलते हैं बीच में और थोड़ा सबको दिखाते हैं कैसे किया जाता है। घर पीछे आते 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद फाइनली लाइन खत्म हुआ। खत्म भी नहीं हुआ है भाई, बाबा का श्रृंगारी पूजा चल रहा है इसलिए सबको रोका गया है। हम लोग भी अपना 1 घंटा का यूटिलाइजेशन करते हैं, चलते हैं चाय पी के आपसे मिलते हैं दूसरे टाइम पर 7 बजे। 7 बज गया है और अपना दूसरा टाइम स्टार्ट, चलिए उसी को कंटिन्यू रखते हैं। हम लोग एक दुकानदार पैसा बेचते हुए दिखे हैं, आइए इनसे पूछते हैं क्या ये सच में पैसा बेच रहे हैं या कुछ और। आप पैसा बेच रहे हैं? नहीं नहीं चेंज है। चेंज है मतलब 10 रुपए देंगे तो आप 10 का सिक्का दे दीजिएगा? कुछ काट छाट के नहीं वैसे ही दे दीजिएगा। इसे आप में आपको क्या फायदा होता है इससे? मतलब मैं अच्छा चलिए, मतलब एक तरह से सेवा कर रहे हैं अपना लोगों का। चलिए बहुत बढ़िया। सॉरी गाइस अपने को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था, वो पैसा बेच नहीं रहे थे, वो कांवरियों का सेवा कर रहे थे अपने तरीके से। ये देखिए मेला में कितने लोग एक दूसरे से बिछड़ गए हैं, यहाँ पर अनाउंस हो रहा है। प्यारा भी इधर है लड़का, कहाँ रहता है तुम, कहाँ घूम रहा है अकेले? अरे तुम चल जाएगा अपना घर वापस? हाँ भुलाएगा नहीं ना, इधर देख के बोलो, भुलाएगा नहीं ना। ठीक है चलो।
ये दुकान पर लेडीज है ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन जेंट्स का है ये दुकान, प्लीज समवन एक्सप्लेन मी। हम लोग पहुंच गए अपने टेंट सही सलामत सकुशल, और आज हमारे मेस में बना है, दिख रहा है आप लोग को? नहीं दिख रहा तो बता दे रहे हैं, कद्दू चना दाल का सब्जी और रोटी। तो चलिए हमेशा की तरह शुरू करते हैं। तो गाइस मेस से खाना खा के और थोड़ा देर आराम करके हम निकल चुके हैं अपने टेंट से ड्यूटी जाने के लिए, और हमेशा की तरह मूवी का आनंद लेते हुए कांवरिया। और ये भीड़, आइए आपको दिखाते हैं कि इस मार्केट में बार्गेनिंग क्यों जरूरी है। झोला में संख्या रखा हुआ, संख्या वहाँ भी है वहाँ भी, और बहुत बचा हुआ था। टिकड़ा कितना का है भाई? आपसे क्या लेंगे? कितना बोलिए ना, अरे बोलिएगा। किसका माल है, जितना दीजिएगा। कितना का माल है भाई? हम सोचे जाके उससे दाम पूछेंगे, वो तो फ्री में ही देने के लिए तैयार हो गया था भाई, वो फ्री में तो दे रहा था, लेकिन हम नहीं लिए, कसम से बता रहे हैं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मेरा कड़ा है, तो हमको दूसरा लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, और अभी लेना भी नहीं है हमको, क्योंकि ये बहुत लकी कड़ा है मेरे लिए। इसका लगभग 3-4 साल हो रहा है, कंटिन्यू पहन रहे हैं, लेना भी नहीं है हमको। तो गाइस 12 बज गया है, अपना शिफ्ट समाप्त फाइनली। चलिए चलते हैं रूम, भगवान को प्रणाम करते हैं, महादेव को, और चलते हैं अपने रूम। अपने पोस्ट पर भी ऑल गुड है। हेलो जाजी। हेलो सर, सुनने में फॉर्च्यूनर लिया है? अभी खाली फोटो लिया है, एक दिन ले लेंगे। अच्छा एक दिन लेना है ना, अभी फोटो लिया है? जी सर। चलिए बहुत बढ़िया। बसंत मुझ पाता है, काम मुझ पा रहा है। बसंत तुम कैमरा में आ गया है, बसंत भागो मत। बसंत बसंत बार बार बोल रहे हैं भागो मत, अभी वायरल कर देंगे हम बसंत। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं अपने रूम, आज एक प्रॉब्लम हो गया था, उसकी वजह से हम लोग को 2:30 बज गया है। खैर कोई नहीं, चलते हैं, वर्दी चेंज करते हैं, फ्रेश होते हैं, ब्लॉग एडिट करते हैं, उसके बाद चलते हैं सोने, क्योंकि कल सुबह लेट से भी तो उठना है जल्दी के नाम पर। तो गुड नाइट गाइस।